लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर गांव में आज भी लोग लकड़ी का पुल बनाकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इस रास्ते से यहां के आसपास के 15,000 की बड़ी आबादी प्रभावित है। गांव के लोग खासे परेशान हैं। विकास की रफ्तार के दौर में ये तस्वीर आपको चकित कर सकती है। हैरान मत होइए, तस्वीर उन्नाव के हसनगंज तहसील के मिर्जापुर अजी गांव की है। लकड़ी का ये जर्जर पुल सालों से पूरे इलाके का इसी तरह बोझ उठा रहा है। देखते जाइए पैदल आने जाने वालों को, डरते घबराते तेज कदम भागते लोग। पुल के नीचे से नदी बहती है, क्या पता पुल कब धोखा दे दे। लकड़ी का जर्जर पुल कोई साइकिल लेकर पार हो रहा है तो कोई मोटरसाइकिल लेकर। एबीपी गंगा की टीम ने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उनका दर्द जुबां पर छलक आया। पक्के पुल का इंतजार करते करते जब लोग थक गए तो खुद ही मिलकर इसे बनाने की ठानी। यहाँ पे विधायक से लेकर के जितने भी बड़े नेता हैं सबको अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ वादे किए गए, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हुआ। और इस पे कई हादसे भी हो चुके हैं। इससे पूर्व एक वृद्धा की मौत हो गई थी इसी पुल से। तो इसकी शिकायत तुम लोगों ने करी अपने? कोई सुनवाई ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ देख के यहाँ चले जाते, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम दादा? सियाराम। सियाराम जी, ये जो पुल बना हुआ है किस तरीके से आप हर वर्ष इसका जो है? हमारे गांव की 2/3 जमीन उस पार है, नदी पार। जीवन भर आदमी आता जाता है यहाँ से, कई हादसे हुए। परसाल हमारा भतीजा इसी में गिर गया और दैव योग से वो बचा, जबकि एक घंटे बाद उसको होश आया। हालांकि स्थानीय विधायक ब्रजेश रावत का कहना है कि सही नदी पर पुल के लिए सरकार पहले से ही गंभीर है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते काम नहीं हो सका। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा यहाँ पुल का काम शुरू हो जाएगा। अब विधानसभा चलने जा रही 20 तारीख से, मैं पुनः उसी पत्र को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं पुनः अवगत कराऊंगा कि ये शीघ्र से शीघ्र बन जाए तो हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र की आवाम को इसका पीपे के पुल का लाभ मिल सके और लोग आसानी से इस तरफ उस तरफ जा सके। आपको बता दें कि यह इलाका लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है। करीब 60 से 70 मीटर लंबा लकड़ी का ये पुल इलाके की करीब 15,000 लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। लोगों के मुताबिक यहां कई हादसे हो चुके हैं, नदी में गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सालों से पुल के इंतजार में अब तो लोगों को जान जोखिम में डालने की जैसे आदत पड़ गई है। आशीष गौड़, उन्नाव, एबीपी गंगा।